पता नहीं सारे पेरेंट्स को नो शब्द इतना पसंद क्यों होता है। काश वो हमेशा यस कहते, फिर इस दुनिया के सारे बच्चे कितना खुश हो जाते। जन्मदिन मुबारक हो कायली, स्कूल में अच्छा करो और एक अच्छी लड़की बनो। और अब बर्थडे पार्टी का बेस्ट पार्ट, विश मांगना। तुम क्या विश मांगना चाहती हो? कायली के पास पहले से ही सब कुछ है, बस उसके पेरेंट्स के अलावा उनके पास हर चीज का बस एक ही जवाब होता है और वो है नो। ठीक है, मैं विश मांगती हूँ कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे यस बोले। कैसा हो अगर ये सच हो जाए? ओह, अलार्म घड़ी सबसे बेकार होती है। अभी तो बहुत समय है, जागो और काम पर लग जाओ कायली, स्कूल का समय हो गया है। पेरेंट्स सुबह सुबह इतना खुश कैसे रहते हैं? मेरा पढ़ने का मन नहीं है कि आज मैं स्कूल ना जाऊं। यस कायली, ये क्या हो रहा है? उन्होंने यस क्यों बोला अगर वो नो बोलना चाहते थे? लूसी, कुछ गड़बड़ है, मैं अभी आता हूँ। ये मुझे लगता है मेरी विश पूरी हो गई, पर अब एडम सब ठीक करने वाला है। अगर तुम नो बोल नहीं पा रहे हो तो तुम उसे लिख सकते हो, ये काम नहीं कर रहा। अब से हर नो यस में बदल जाएगा। अब आप बुरा ना माने तो मैं आज घर पर ही रहूंगी। आप सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। कायली का सपना सच होने वाला है, एक टैटू। मॉम डैड देखो, ये कमाल की आर्ट है। मॉम डैडी, क्या आपको नहीं लगता? देखो, मेरे पेरेंट्स को कोई एतराज नहीं है। चलो शुरू करें। लूसी, मैं ये नहीं देख सकता। संभल कर हनी, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ये कितना अच्छा बना है, बिल्कुल जैसा कायली चाहती थी। पर उसके पास इससे भी अच्छा आइडिया है, क्यों ना आप भी टैटूज बनवाएं? डैडी दिल से यस बोल रहे हैं। ये अच्छा आइडिया है कायली, पर मॉम को ये पसंद नहीं आया, पर उन्होंने तब भी यस कह दिया है। अपना काम करो, कितनी इंटरेस्टिंग फैमिली है। उन्होंने साथ में टैटूज भी बनवाए। अभी या बाद में तुम्हें स्कूल तो जाना ही होगा। ठीक है, बैकपैक पैक हो गया, थोड़ा साइंस पढ़ने का समय हो गया, पर मैं इस यूनिफॉर्म से परेशान हो गई हूँ। मेरी झलक मुझे दुखी कर देती है, मैं अच्छी क्यों नहीं दिख सकती? पर अब कायली कुछ भी कर सकती है, उसके पेरेंट्स कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ तक कि इस तरह के कपड़े भी चलेंगे। कायली, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? संभल कर लूसी, घबराओ मत। मॉम, क्या मैं इस स्कूल जा सकती हूँ प्लीज? क्यों नहीं डियर? परफेक्ट, ये कपड़े तो पूरी दुनिया को कायली के कदमों में ला देंगे। वाह, ये तो कमाल है, दूर हटो बॉयज। कायली, तुम ऐसे कपड़े पहनकर स्कूल नहीं आ सकती, घर जाओ और इन्हें बदल कर आओ। क्लासिक मिस एलिस, बुरी बात है वो यस नहीं बोल सकती। और कायली को नया फैन मिल गया। लेक को कुछ करना होगा, चलो कायली को डेट करने का ऑपरेशन शुरू करते हैं। हेलो, क्या मैं आपकी बेटी को बाहर ले जा सकता हूँ? वो रही मेरी रानी, हमेशा की तरह खूबसूरत। अरे नहीं, मुझे इसके साथ बाहर मत भेजना। आपने सुना? नहीं कायली, ये तुम्हारी विश थी, है ना? यस, तुम जा सकते हो। कोई मेरी मदद करो, इसका कोई फायदा नहीं है, उसे ये शाम ले के साथ बितानी ही पड़ेगी। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता और उसके पेरेंट्स उसे बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। देखो लूसी, ये इतना भी बुरा नहीं है। अरे हाँ, कायली का भी समय खराब चल रहा है, डेट में एक अजीब सा मोड़ भी आ गया। एक गिफ्ट के बारे में क्या ख्याल है कायली? तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं कहेंगे, बहादुर बनो कायली। चलो भी हनी, रिकॉर्ड करो, कायली बहुत एक्साइटेड होने वाली है। मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ, बस हो गया। कम से कम अब पेरेंट्स के पास एक मजेदार वीडियो है, चलो इसे बाद के लिए सेव कर ले। वो डेट कामयाब नहीं हुए, पर पार्टी जरूर होगी। मॉम, आप उदास क्यों हो? डैडी खुश हो जाइए, क्या आप अपने घर पर पार्टी रख सकते हैं? जरूर कायली, जैसा तुम चाहो। लगता है बच्चों की पार्टी मजेदार होती है, पर कायली खुश नहीं है। मॉम और डैड सब बिगाड़ रहे हैं, पर तुम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते, उन्हें भी मजे करने दो। क्या अब वो भी डांस कर रहे हैं? रेट्रो स्टाइल फैशन में है, ये ज्यादा हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कायली के दोस्त उसकी मॉम के दोस्त बन जाएंगे। दोस्तों चलो क्लब में चलते हैं, कितना अच्छा आइडिया है। चलो हनी, तुम यही रुको, इस जगह को सफाई की जरूरत है।
हमें मिस मत करना, हम जल्दी आ जाएंगे। उसके पेरेंट्स ने उसको चकमा दे दिया, पर काइली अपना बदला जरूर लेगी। वेटर, क्या मुझे मेन्यू मिलेगा? और ये बहुत डिलीशियस होने वाला है। मैं ये लूंगी, ये और ये। पर चलो, शर्माते नहीं है, पूरा फ्रंट पेज ले आओ प्लीज। हाँ, उसके पेरेंट्स को सबका पैसा देना होगा। शर्माओ मत वेटर, और खाना लाओ। काइली ने कर दिखाया, ये खाना हफ्ते भर के लिए काफी है और बिल बहुत बड़ा है। और उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है, जिसका मतलब है काइली को काम के बदले काम करना होगा। यही होता है जब आपका बदला उल्टा पड़ जाए। मॉम, डैड, इस बेबी को देखो, मुझे एक डॉग चाहिए। क्या हम एक ले सकते हैं? मान जाओ प्लीज। मेरे पेरेंट्स से ये सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। वो इसके अलावा और कुछ कह भी नहीं सकते। मैं आपको अपने बेबी से मिलाना चाहती हूँ, ये है जूजू। आप दोस्त बन जाएंगे। मेरे सोने का समय हो गया है, मैं कल मिलती हूँ। ये नहीं सोचा था काइली को अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए था। हनी, उठ जाओ, आज का दिन बहुत खूबसूरत है। शायद मेरे पेरेंट्स के पास एक अच्छा सरप्राइज है। पर काइली उदास हो जाएगी। क्या तुम जूजू के बारे में भूल गए? डॉग को वॉक की जरूरत होती है। अरे नहीं, काइली जानती नहीं थी कि एक डॉग के मालिक की सुबह वॉक से शुरू होती है। और ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। रुक जाओ तुम छोटे शैतान, शांत हो जाओ। पर लगता है जूजू का गुस्सा बिल्कुल काइली की तरह है। परिवार की मूवी नाइट कमाल की होती है। हम क्या देख रहे हैं? अरे हाँ, एक कॉमेडी। मेरे पेरेंट्स की पसंद ज्यादा अच्छी नहीं है, पर इसे ठीक किया जा सकता है। डैडी, रिमोट दो, आपको बुरा नहीं लगेगा, है ना? ये अच्छा है, हम एक असली मूवी देखेंगे। अरे नहीं, एक डरावनी ज़ॉम्बी मूवी। काइली, क्यों ना हम इसे बंद कर दें? मुझे नहीं लगता। मॉम, देखिए और एंजॉय कीजिए। और मूवी सच में एक मास्टरपीस निकली, एक खतरनाक मास्टरपीस। मम्मी, मुझे छूना मत, मेरी मदद कीजिए। डैडी, सब खत्म हो गया, काइली फंस गई। मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती। हनी, आराम से, तुम्हारी आँख लग गई थी, ये बस एक बुरा सपना था। हम तुम्हारे साथ हैं, बस अब सोने से पहले और डरावनी मूवीज नहीं। पेरेंट्स के साथ स्टोर जाना कितना बोरिंग होता है। वो बस हेल्दी खाना लेते हैं। हमें ये डाइटरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। चलो कुछ नॉर्मल खाना खरीदते हैं। ये काइली की गलती नहीं है कि हर अनहेल्दी चीज का स्वाद अच्छा होता है। और आज से घर में कोई फ्रूट्स नहीं होंगे, ये हमारी फैमिली का नया रूल है। मॉम, डैड, आज हम ये खरीदेंगे, क्या आपकी परमिशन है? क्या उनके पास कोई मौका है? वो परफेक्ट पेरेंट्स हैं जो हमेशा यस बोलते हैं। क्या ये सब खाना डेंजरस नहीं है? इसका स्वाद अच्छा नहीं है, उसकी चिंता मत करो, स्वीट्स आपके लिए अच्छे हैं। एडम, ऐसा मत करो, अब इसे रोकने का वक्त आ गया है। हनी, मेरे पीछे आओ। अच्छी बात है, एडम ने कुछ हेल्दी खाना छुपा कर रखा है। वैसे मैं सोडा पी सकता हूँ। हे, ये मेरी है। पार्क में आइसक्रीम के बिना घूमना हो ही नहीं सकता। मैं ये ले सकती हूँ, है ना? मौसम खराब है, तुम बीमार पड़ जाओगी काइली, पर तुम्हें यस कहना पड़ेगा। तो डील ये है, मैं सारी एक एक लूंगी। तुम फट जाओगी काइली, पर जब आइसक्रीम की बात हो तो आप अपनी बेटी को नहीं रोक सकते। अच्छा हुआ सेल्समैन ने ब्रेक लेने का फैसला किया। चलो इन सबको खाना शुरू करें। बस बहुत हुआ, मैं और नहीं खा सकती। फ्यू, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ सच में काइली बीमार पड़ गई। चलो डॉक्टर को अभी कॉल करें, हमें एक बड़ा इंजेक्शन लगाना होगा। क्या तुम तैयार हो काइली? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर पेरेंट्स को बस यस कहना है। ये सब तुम्हारे लिए है काइली। मॉम, डैड, प्लीज। बेबी, हम तुमसे नो नहीं कह सकते, इससे काम नहीं बनेगा। ये सबसे खराब विश थी। मैं इसे वापस लेती हूँ, आप पेरेंट्स हैं तो आपको गलत चीजों के लिए नो कहना चाहिए। क्या आपको हमारी नई वीडियो पसंद आई? क्या आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको हमेशा यस कहें?
हमें कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि आप रूम रूम से लगी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें।